नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब। स्वागत है आप सभी का अच्छी टिप्स यूट्यूब चैनल में। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा दिवाली की सफाई में तुरंत घर के बाहर कर दें ये 7 चीजें, मां लक्ष्मी आएंगी घर के अंदर। दोस्तों आप इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरा देखिएगा ताकि आपको पूरी जानकारी प्राप्त हो सके। तो चलिए शुरू करते हैं। दीपावली से पहले अधिकांश घरों में साफ सफाई का सिलसिला शुरू हो चुका है और लोगों ने अपने अपने घरों को सजाना शुरू कर दिया है। ऐसी मान्यता है कि दीपावली पर साफ सफाई करने से मां लक्ष्मी का आपके घर में वास होता है और सुख संपत्ति में वृद्धि होती है। मां लक्ष्मी उसी घर में प्रवेश करती हैं जहां पर एकदम साफ सफाई रहती है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि दीपावली पर साफ सफाई में किन चीजों को घर से एकदम हटा देना चाहिए। घर के किसी कोने में न हो टूटा शीशा। घर के किसी भी कोने में टूटा हुआ शीशा नहीं रहना चाहिए। वास्तु के अनुसार टूटा हुआ शीशा अपशकुन माना जाता है और यह आपको निर्धन बनाता है। घर की किसी खिड़की या दरवाजे का शीशा यदि टूटा है तो इसे दिवाली से पहले तुरंत सही करवा लें। यहां तक कि बाथरूम की खिड़कियों में भी टूटा हुआ शीशा नहीं छूटना चाहिए। बिजली के यंत्रों की मरम्मत। अगर आपके घर में बिजली से चलने वाले किसी यंत्र में कोई कमी आ रही है या फिर यह पूरी तरह से खराब हो चुका है तो इसे दीपावली से पहले या तो सही करवा लें या फिर इसको कबाड़े में फेंक कर इसके स्थान पर कोई दूसरा ले आएं। यहां तक कि घर के पंखे में से भी यदि कोई आवाज आ रही है तो उसे सही करवा लें या फिर बदल दें। पुरानी घड़ियां। पुरानी बंद पड़ी घड़ियां दुर्भाग्य को न्योता देने के बराबर हैं। इन घड़ियों को या तो सही करवा लें और अगर सही करवाने लायक नहीं है तो फिर घर के बाहर फेंक दें। घर में बंद पड़ी घड़ियों को रखना जानबूझकर अपनी तरक्की को रोकने जैसा है। खंडित मूर्तियां। यदि आपके घर में पूजा के स्थान में कोई मूर्ति खंडित है या फिर घर के किसी दूसरे भाग में कोई खंडित स्टैचू लगी है तो इसे भी दीपावली से पहले प्रवाहित करवा दें। टूटी हुई मूर्ति की पूजा करना शास्त्रों में गलत माना गया है। इसके स्थान पर नई मूर्ति ले आएं और उनको स्थापित करके उनकी पूजा करें। पूजा में भगवान कोई मूर्ति भी टूटी हुई नहीं रहनी चाहिए। इसके अलावा पूजा स्थल से अन्य टूटी हुई वस्तुएं भी हटा दें। छत की सफाई। वास्तु में घर की छत की सफाई पर खास जोर दिया जाता है। ऐसा माना जाता है कि जिस घर की छत गंदी रहती है उस घर के लोग सदैव बीमार और दुखी रहते हैं। घर की छत सदैव एकदम साफ सुथरी रहनी चाहिए और यहाँ पर कोई भी कबाड़ सामान नहीं रखना चाहिए। दीपावली से पहले घर की छत को धोकर अच्छे से साफ करवा लें। टूटे फूटे बर्तन। ऐसी मान्यता है कि जो लोग टूटे हुए बर्तनों में खाना खाते हैं उनकी किस्मत भी सदैव उनसे रूठी रहती है, इसलिए भूलकर भी घर में टूटे बर्तन न रखें। ये कितने ही महंगे क्यों न हो, दीपावली से पहले टूटे हुए सभी बर्तन और क्रॉकरी को घर से हटा दें। टूटा फर्नीचर। वास्तुशास्त्र में बताया गया है कि घर में टूटा हुआ फर्नीचर रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है। अगर आपके घर में कोई कुर्सी, मेज या फिर कोई और फर्नीचर टूटा है तो या तो इसे दीपावली से पहले सही करवा लें या फिर घर से हटा दें। टूटा हुआ फर्नीचर घर के अंदर दुर्भाग्य का संकेत माना जाता है। यह एकदम चमकता हुआ और साफ होना चाहिए। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को छोटा सा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी का बटन जरूर दबा लें। धन्यवाद।